हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जो कि है चीला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दो बड़े चम्मच सूजी के ले रही हूँ। उसके साथ ही उसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद दही ले लेंगे। उसके बाद इसे मिला लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से मिल जाए तो इसे एक साइड में रख देंगे। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ले लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला। अब यहाँ पे मैं गोभी, बीन्स, गाजर और शिमला मिर्च मैंने फाइन चॉप करके रख लिया है। तो यहाँ देखिए मैं फूल गोभी और बीन्स डाल के एक साथ फ्राई कर रही हूँ अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं गाजर डालूँगी, गाजर भी साथ में फ्राई करेंगे। सबसे लास्ट में हमें कैप्सिकम डालना है। यहाँ देखिए मैंने हल्दी डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा सा नमक डालेंगे और चला देंगे। अब सारी सब्जियाँ अच्छी तरीके से हो चुकी हैं, तब मैंने कैप्सिकम डाल के इसे चला दिया। अब बस ये अब रेडी हो चुका है। यहाँ हमने जो चीला के लिए घोल तैयार करके रखा था सूजी, पानी और नमक का, उसमें सारी सब्जी मिला देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने पैन रख लिया है इंडक्शन पे, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है मैंने और अब चीले को इसमें आराम से डाल के चारों बगल फैला देंगे। हाँ जी, ये अब एक तरफ होने लगा है, तब मैं इसे बहुत ही आराम से पलट दूंगी। और ये देखिए दोनों तरफ कुछ ऐसा ही सिमिलर टेक्सचर रहना चाहिए। ये हमारा चीला रेडी हो चुका है। तो बस आज मैं इसे धनिया की चटनी के साथ खाने वाली हूँ। तो ये है आज का मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट।